धरना में आप लोग आए हैं बताइए पहले। ए उधर से आइए ना, पीछे वाले को नहीं आएगा। धरना प्रदर्शन जो आप लोग किए हैं किस चीज के लिए बताइए। हम लोग जो है 9 सूत्री मांग के लिए किए हैं। पहला है कि सरकारी कर्मचारी जो है हम लोग के दर्जा दिया जाए, और दूसरा जो है यानी कि पैकेज पेंशन दिया जाए, और रिटायरमेंट जो है 10 लाख का पैकेज दिया जाए, और आशा फैसिलेटर का जो 20 दिन का काम होता है और 30 दिन का किया जाए, और 500 रुपया के दर से किया जाए। यही हम लोग का सरकार से जो निवेदन है। अब हम लोग जो है ना भूखे जो है काम नहीं करेंगे। बहुत काम किए, अब नहीं होगा हम लोग से काम। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। क्या मांग है कि हम लोग को जो 1000 मिल रहा है, हम लोग 1000 में नहीं मानने वाले हैं। 1000 में कुछ भी दम नहीं है। हम लोग 10000 से कम नहीं लेंगे, और 10000 सरकार को देना पड़ेगा। जब तक सरकार 10000 नहीं देती है, तब तक हम लोग हड़ताल को अनिश्चितकालीन रखे ही रहेंगे। यही मांग है हम लोग का। हाँ, और टीकाकरण भी हम लोग नहीं होने देंगे क्षेत्र में, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी हम दीदी आपका क्या मांग है? हम लोग का मांग है यही कि हम लोग प्रोत्साहन राशि पे काम नहीं करेंगे। हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और 10000 का मान दे दिया जाए। यही हम लोग का मत है। और कब तक आप लोग हड़ताल रखेंगे? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं देगी तब तक भूखे प्यासे हड़ताल पे रहेंगे। एकदम से डांटेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, सबको देख लेंगे, प्रभारी मैनेजर सबको देखेंगे, एकदम आशा सब हम एक रहेंगे। हम लोगों का 9 सूत्री मांग है। हम लोगों को सरकारी घोषित करें, मानदेय 10000 का मानदेय दे, और संविदा पे काम नहीं करेंगे। हम लोग को सरकारी घोषित करें। कितना दिन ही चलेगा? अनिश्चितकाल, जब तक नहीं देगा नहीं कर मानेंगे। हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे, सब काम बंद करेंगे। आर आई भी बंद करेंगे, न करेंगे न करने देंगे। यहाँ से डांटेंगे प्रभारी से, देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे कितना लंबी। 9 सूत्री मांग है हम लोग का। सबसे पहले है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और प्रोत्साहन राशि पे हम लोग काम नहीं करेंगे, मानदेय दिया जाए, रिटायरमेंट दिया जाए, और जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरी होगी हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, और कोई भी काम जो भी हम लोग करते थे ये नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है हम लोग का, न करने देंगे। जो भी आएगा आगे समस्या हम लोग देख लेंगे। आपका क्या मांग? हम लोग का भी वही है 9 सूत्री मांग। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, जब तक कि हम लोग का मानदेय पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। कितना दिन तक ये? जितना दिन तक हो जाए, जब तक कि नहीं देंगे तब तक हड़ताल में बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे, जो कुछ भी हो जाए, जो भी बीत जाएगा हम सहने के लिए तैयार हैं। जितना कष्ट आएगा हम सहने के लिए तैयार हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग 12-13 साल से नौकरी कर रहे बंधुआ मजदूर की तरह। हम लोग 2004 में बहाली हुए हैं, तो इसी तरह हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का सरकार से मान है कि हम लोग को सरकारी स्टाफ बनाया जाए, मानदेय दिया जाए। 1000 रुपया में क्या होगा? कोरोना काल हम ही लोग के कारण भागा गया। इतनी आशा बहना सब खटी, कोरोना में काम किए, रूबेला में काम किए, एक भी हम लोग को उसका जो प्रोत्साहन राशि होता नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग अभी शराबबंदी का किए, पोलियो मुक्त किए, हर चीज़ किए, लेकिन हम लोग बंधुआ इसके तरह कितना करेंगे? हम लोग को सरकार से यही है कि हम लोग को सरकारी घोषित करके हम लोग को मानदेय दिया जाए, और हम लोग को रिटायरमेंट होने पर पेंशन दिया जाए। आपसे इतना ही अनुरोध है कि नीतीश सरकार हम लोग की मांग सुने। नहीं करेंगे तब तक अकाल मृत्यु चलते रहेगी। हम लोग कोरोना में उतना काम किए, हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिला, कोई भी पैसा सरकार नहीं दिए, फ्री में खटवाते हैं। हम लोग सभी जेल होगा, जेल जाएंगे, गोली लगेगा, गोली खाएंगे, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे लगे रहेंगे। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, भूखे पे
हो जी।